Hello guys, today we are going to start a new topic, that is front of thigh. And in today's lecture, we will study this topic, that is surface landmarks, superficial fascia. In superficial fascia, we will study cutaneous nerves, cutaneous arteries, great saphenous vein, superficial inguinal lymph nodes, deep fascia. In deep fascia of thigh, we will study iliotibial tract, saphenous opening, and lastly facial compartments of thigh. So let's start. My name is Namita Ussara. Welcome to another video. If this is your first time here on my channel and you wanna see video lectures related to anatomy, physio and biology, start now by doing some simple things. So, सरफेस लैंडमार्क्स तो हमें लोअर लिम्ब के अंदर क्या क्या कुछ लैंडमार्क्स हैं वो पता होना चाहिए. वो क्या क्या है? सबसे पहले फोल्ड ऑफ ग्रोइन. फोल्ड ऑफ ग्रोइन ये एक फोल्ड है, इनग्वाइनल लिगामेंट इसके नीचे प्रेजेंट होता है. अगर हम सरफेस पे देखें तो एक फ्लेक्शन, हिप जॉइंट का जब फ्लेक्शन करते हैं तो एक क्रीज बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं फोल्ड ऑफ ग्रोइन, जो कि स्टार्ट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और एंड होती है प्यूबिक ट्यूबरकल पे. फिर है मिड इंग्वाइनल पॉइंट. मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है? एक होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, एक होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट. और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच का पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. तो इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. और ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का पॉइंट होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ये फीमर बोन है. फीमर बोन का ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसके ऊपर होता है एडेक्टर ट्यूबरकल. ये मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का, ये लेटल कॉन्डाइल है फीमर का. ये टीबिया बोन है जो कि प्रेजेंट होती है मीडियली, और ये फिब्यूला है जो कि प्रेजेंट होती है लेटरली. ये मीडियल कॉन्डाइल है टीबिया का, और टीबिया पे एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जो कि होती है टीबियल ट्यूबरोसिटी. ये हेड ऑफ फिब्यूला, और ये लेटरल कॉन्डाइल है टीबिया का, एंड दिस इज लाइक लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर. मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट ये कर लिया. और ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है. हिप बोन में एक पार्ट होता है इलियम, जो कि हम पढ़ेंगे उसके उसके जो आगे वाला एंटीरियर बॉर्डर पे होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. एंड यहाँ पे होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. इलियक क्रेस्ट पे भी एक ट्यूबरकल होता है, उसे हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. As we know, there is a bone in lower limb that is patella, जिसे हम kneecap भी कहते हैं, वो इस region में यहाँ पे present होती है. और एक होता है ligamentum patellae. Patella से लेकर एक ligament जाता है. यहाँ पे अगर patella है तो यहाँ से patella से ligament जाएगा और यहाँ पे ये tibial tuberosity पे attach हो जाता है. तो उस ligament को हम कहते हैं ligamentum patellae. Now superficial fascia. सुपरफिशियल फेशिया की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज होल्डन्स लाइन. क्या होता है? तो जो सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर है वो फ्यूज हो जाती है फ्रंट ऑफ थाई के फेशिया लाटा से, जो कि एक डीप फेशिया है. तो सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर जब फ्रंट ऑफ थाई के डीप फेशिया दैट इज फेशियल लाटा से फ्यूज हो जाती है, तो उस लाइन ऑफ फ्यूजन को कहते हैं हम होल्डन्स लाइन, जो कि एक्सटेंड करती है प्यूबिल ट्यूबरकल से लेटरली, और ये अराउंड 8 सेंटीमीटर तक होती है. अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ से एक्सटेंड करेगी लेटरल साइड पे होल्डन्स लाइन अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर तक, जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर फ्रंट ऑफ थाई के डीप फेशिया फेशियल लाटा से फ्यूज हो जाती है.
नाउ सुपरफिशियल फेशिया में कुछ क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं और एक बहुत बड़ी वेन भी होती है जो कि सुपरफिशियल और क्यूटेनियस ही होती है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूटेनियस नर्व्स. क्यूटेनियस नर्व्स कहाँ से डिराइव होती है? क्यूटेनियस नर्व्स आर डिराइव फ्रॉम लंबर प्लेक्सेस, दैट इज L1, L2, L3, L4, इनसे डिराइव होती है क्यूटेनियस नर्व्स. लंबर प्लेक्सेस को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये लिम्ब है. लिम्ब के मीडियल एस्पेक्ट, अपर मीडियल एस्पेक्ट को कौन सप्लाई करता है? इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो कि निकलती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से. अगर आपने एब्डोमन में देखा होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, वहां से निकलती है इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है. फिर होती है एक फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व. फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल ड्रम जो है वो जो फीमोरल ट्राइंगल के ऊपर जो स्किन होती है उस वाले पार्ट को सप्लाई करती है. एक होती है क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व जो कि थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, दैट इज इस रीजन को. फिर होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि इस वाले रीजन को सप्लाई करती है इधर, और होती है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि इंटरमीडिएट पोर्शन को सप्लाई करती है, और होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि लेटरल पोर्शन ऑफ थाई को, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, और होती है saphenous नर्व. saphenous नर्व क्यूटेनियस होती है जस्ट मीडियल टू द नी, जस्ट अबोव एंड मीडियल टू द नी. यहाँ पे saphenous नर्व आती है जो क्यूटेनियस होती है और एक ब्रांच और देती है इंफ्रा पेटेलर ब्रांच जो कि लिगामेंटम पेटेले को सप्लाई करती है इंफ्रा पेटेलर ब्रांच, और ये फिर और कंटिन्यूस नीचे जाती है saphenous नर्व dorsum of foot तक. तो ये क्यूटेनियस सप्लाई हो गया है. यहाँ वाले रीजन को करता है इलियो इंग्वाइनल नर्व, यहाँ पे फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, यहाँ पे क्यूटेनियस नर्व ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, यहाँ पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, यहाँ पे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और यहाँ पे नी के पास में आ जाती है saphenous नर्व. तो हमने बता दिया इलियो इंग्वाइनल नर्व अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, यहाँ पे फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फीमोरल ट्राइंगल के ऊपर वाले एरिया को सप्लाई करती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई लेटरल एस्पेक्ट एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को अप्लाई करती है. लेकिन एक इसकी अप्लाइड एनाटॉमी है, दैट इज मेरेल्जिया पैरास्थेटिका. जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, फीमोरल लेटरल क्यूटेनियस नर्व है थाई की, वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के मीडियल साइड से आता, और ये जो नर्व है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से या इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू आती है. और अगर यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट के यहाँ पे ये अगर कंप्रेस हो जाती है तो ये लेटरल एस्पेक्ट जो है थाई का यहाँ पे सेंसरी और क्यूटेनियस सप्लाईज को नहीं मिल पाती. तो अगर वो प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो वहाँ पे पेन और हमें कुछ ऑल्टर्ड अलग अलग सेंसेशंस फील होते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं मेरेल्जिया पैरास्थेटिका. saphenous नर्व वही हमने बताया इंफ्रापेटेलर ब्रांच देती है जो कि डीप फेशिया को पियर्स करने से पहले ही दे देती है. यहाँ पे डीप फेशिया पियर्स करके ये जब क्यूटेनियस सुपरफिशियल फेशिया में आए उससे पहले ये इंफ्रापेटेलर ब्रांच देती है जो कि लिगामेंटम पेटेले को सप्लाई किया था, ये हमने बताया था. नाउ क्यूटेनियस आर्टरीज, सुपरफिशियल फेशिया में अब कुछ क्यूटेनियस आर्टरीज भी होती हैं. तो वो कौन कौन सी आर्टरीज हैं? तीन आर्टरीज होती हैं क्यूटेनियस, थ्री क्यूटेनियस आर्टरीज होती हैं जो कि अराइज होती है किसकी ब्रांचेज है? फीमोरल आर्टरी की. तो ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी होती है. तो saphenous ओपनिंग से फीमोरल आर्टरी की तीन ब्रांचेस निकलती है और वो सुपरफिशियल फेशिया में आ जाती हैं. तीन कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया को सप्लाई करती है, मतलब मीडियल साइड में जाती है. एक होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो ऊपर की तरफ जाती है, वो सप्लाई करती है लोअर एब्डोमिनल वॉल को. एक होती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ जाती है और इस वाले रीजन को ये सप्लाई करती है. तो ये तीन होगी.
सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल जेनिटेलिया को सप्लाई करेगी, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल वॉल को करेगी और इलियक वाल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ जाती है। यहाँ पे फीमोरल जो आर्टरी होती है वो डीप होती है, लेकिन ये जो तीनों ब्रांचेस निकलती हैं इसकी ये क्यूटेनियस हो जाती है और सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसके अंदर एक ग्रेट और सबसे लॉन्गेस्ट सेफेनस वेन भी प्रेजेंट होती है। ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ये जो वेन है ये देखो नीचे से लेके ऊपर तक भी प्रेजेंट होती है, तो ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन है, डीप नहीं है। सुपरफिशियल फेशिया में क्यूटेनियस है तो सुपरफिशियल लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन है ये लोअर लिम्ब की। उसके बाद ये यहाँ पे डॉर्सम ऑफ फुट है, ये वाला जो पोर्शन ये होता है डॉर्सम ऑफ फुट कहते हैं इसे। ये यहाँ पे डॉर्सल वीनस आर्च है, तो ये डॉर्सल वीनस आर्च के मीडियल एंड से स्टार्ट होती है और फिर ये मीडियल मैल्योलस है इसके फ्रंट में से ऊपर जाती है। तो ये बिगिंस ऑन द डॉर्सम ऑफ फुट पे चालू होती है फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च एंड फिर मीडियल मैल्योलस के फ्रंट में से ये अपवर्ड मूव करती है, फिर ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग में मूव करती है, फिर उसके बाद नी वाले पोर्शन में ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ चल जाती है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के, उसके बाद फिर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में आ जाती है और फिर यहाँ पे थोड़ी ओब्लिकली मूव करके सिफनेस ओपनिंग तक जाती है। सिफनेस ओपनिंग में होता है क्रिबरीफॉर्म फेशिया, तो ये ग्रेट सिफनेस वेन क्रिबरीफॉर्म फेशिया को पियर्स करके फिर ड्रेन करती है फीमोरल वेन में और फीमोरल आर्टरी की तरह ये भी ग्रेट सिफनेस वेन की भी कुछ क्यूटेनियस ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि इसमें आके ड्रेन करती है। वो सेम है, वो आर्टरी की तरह को ही अकम्पनी करती हैं, तो सेम है आर्टरी की तरह ही उनके नाम है। एक हो गया सर्कम्फ्लेक्स सुपीरियर सर्कम्फ्लेक्स इलियक वेन, ये हो गया सुपीरियर फेशियल सर्कम्फ्लेक्स सॉरी ये हो गई सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक वेन, ये हो जाएगी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और ये हो जाएगी सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। ये ब्लड को ड्रेन करेगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, ये लोअर एब्डोमिनल से ब्लड और वीनस ब्लड को ड्रेन करेगी या फिर ये वाले रीजन से वीनस ब्लड को ड्रेन करेगी। फिर सुपरफिशियल फेशिया में कुछ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी होती हैं। दो सेट्स होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के, एक इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लिम्फ नोड्स और अपर होती है, और एक जो है सिफनस जो ग्रेट सिफनस वेन है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसके जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है, ये होती है वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ये हो गया वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे होती है, ये ग्रेट सिफनस वेन के अपर पार्ट के साइड में मूव प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, अब जो भी लिम्फ है सुपरफिशियल फेशिया में जो भी लिम्फ है वो अल्टीमेटली एफरेंट वेसल्स के थ्रू इन लिम्फ नोड्स में आता है, दैट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स से कुछ इफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं, इफरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं जो कि फिर उसको लिम्फ को अल्टीमेटली ड्रेन करती है अंदर जाके, वो लिम्फ वेसल्स सिफनेस ओपनिंग से होते हुए अंदर डीप इंग्वाइनल नोड्स में अल्टीमेटली लिम्फ को ड्रेन कर देती है। सुपरफिशियल फेशिया के बाद है डीप फेशिया ऑफ फ्रंट ऑफ थाई और डीप फेशिया ऑफ थाई। डीप फेशिया जो होता है थाई को उसको फेशिया लाटा भी कहते हैं, इसका नाम है डीप फेशिया का फेशिया लाटा। फेशिया लाटा के दो मॉडिफिकेशंस होते हैं थाई के अंदर जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक होता है इलियोटिबल ट्रैक्ट और एक होती है सिफनस ओपनिंग, जो कि हम सिफनस ओपनिंग अभी आगे पढ़ेंगे, हम फर्स्ट पढ़ेंगे इलियोटिबल ट्रैक्ट। तो क्या होता है, ये जो डीप फेशिया होता है फेशियल लाटा वो जो थाई के लेटरल एस्पेक्ट में, ये जो थाई होता है इसके लेटरल एस्पेक्ट में थिक हो जाता है और एक थिक वाइट बैंड बना लेता है, जिससे हम जैसे कि आपको दिख रहा है ये लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, इस थिक वाइट बैंड को हम कहते हैं इलियोटिबल ट्रैक्ट। अब हम इसके अटैचमेंट्स को देखें अगर,
तो क्या होता है, सुपीरियरली जब जाती है तो ये दो स्लिट्स बना लेती है, स्प्लिट हो जाती है दो लेयर्स में, और ये एक लेयर कवर कर देती है, पूरा इंक्लोज करती है ऊपर से नीचे तक ल्यूटियस मैक्सिमस लेयर मसल को, और एक लेयर दूसरी पूरी की पूरी कवर करती है टेंसर फेशियल लाटा मसल को, ये दोनों मसल्स हैं इनको कवर करती है, और बीच वाला पार्ट होता है वो होता है ग्लूटियल एपोनेरोसिस, वो सिर्फ और सिर्फ ल्यूटियस मीडियस को ऊपर से कवर करता है, नीचे से कवर नहीं करता। तो ये हो गया, सबसे पहले ऊपर जब होती है इलियोटेबल ट्रैक्ट वो दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, एक ग्लूटियस मैक्सिमस को इनक्लोज करती है पूरी तरह, और एक टेंसर फेशियल लाटा मसल को इनक्लोज करती है, बीच वाला पार्ट बनाता है ग्लूटियल एपोनेरोसिस, ग्लूटियल एपोनेरोसिस कवर करता है ग्लूटियस मीडियस मसल को, और जो इसके जो दो लेमाइना बने जो स्प्लिट होती है तो एक नीचे से कवर करेगी एक ऊपर से कवर करेगी, तो सुपरफिशियल लेमाइना जो होता है इलियोटिबल ट्रैक्ट का वो अटैच होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से, तो सुपरफिशियल लेमाइना अटैच होता है इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल से जो कि इधर की साइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल हो गया, और जो डीप लेमाइना होता है इलियोटिबल ट्रैक्ट का वो अटैच होता है हिप जॉइंट के कैप्सूल से, तो सुपरफिशियल लेमाइना ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट एंड डीप लेमाइना इज अटैच टू कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, और इन्फीरियरली जब हम नीचे देखें तो नीचे की तरफ इन्फीरियरली इलियोटिबल ट्रैक्ट अटैच होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, टीबिया का जो लेटरल कॉन्डाइल होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे इलियोटिबल ट्रैक्ट अटैच होती है। इस इलियोटिबल ट्रैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या फंक्शन है, दैट इज जब हम वॉकिंग और रनिंग करते हैं तो ये स्टेबलाइज करती है नी जॉइंट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वॉकिंग और रनिंग के दौरान ये स्टेबलाइज करती है नी जॉइंट को। नाउ वी विल स्टडी सिफिनस ओपनिंग, सिफिनस ओपनिंग भी एक मॉडिफिकेशन है फेशिया लाटा का, तो ये क्या है, ये फेशिया लाटा जहाँ पे एबसेंट होता है एक पार्ट में तो उस फेशिया लाटा की एक ओपनिंग होती है जहाँ पे फेशियल लाटा प्रेजेंट नहीं होता, ओवल ओपनिंग, इसे हम कहते हैं सिफनस ओपनिंग, जिसके थ्रू ग्रेट सिफनस वेन, लिम्फ फैसल, इफरेंट लिम्फ फैसल, और वो जो ट्रिब्यूटरीज थी ग्रेट वेन की और जो फीमरल आर्टरी की ब्रांचेस थी वो सुपरफिशियल फेशिया में जा रही थी, ये वही वाली ओपनिंग है सिफनस ओपनिंग। और ये सिफनस ओपनिंग जो है यहाँ पे फेशियल लाटा एब्सेंट होता है लेकिन यहाँ पे कुछ तो प्रेजेंट होता है, तो एक एरियोलर टिश्यू की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, फेशियल लाटा नहीं होता है, और उस जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं क्रिबरी फ्रॉम फेशिया, तो ग्रेट सिफनस वॉर्म क्रिबरी फ्रॉम फेशिया को पहले पियर्स करता है यहाँ पे, फिर उसमें जाके फ्यूमरल वेन में ड्रेन करता है। सो फेशियल लाटा की यहाँ पे एब्सेंट होता है, और ये जो सिफनस ओपनिंग है इसका जो लेटरल और इन्फेरोलो मार्जिन होता है, ये इन्फेरोलेटरल मार्जिन होता है, ये बना होता है सुपरफिशियल स्ट्रेटम ऑफ फेशियल लाटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर सुपरफिशियल स्ट्रेटम ऑफ फेशियल लाटा से बना होता है इन्फेरोलेटरल मार्जिन ऑफ सिफनस वेन, ये वेल डिफाइंड होता है, इसको आसानी से ये शार्प वेल डिफाइंड मार्जिन होता है, लेकिन जो मीडियल मार्जिन होता है वो इल डिफाइंड होता है सिफेनस ओपनिंग का, सिफेनस ओपनिंग का मीडियल मार्जिन इल डिफाइंड होता है और वो बना होता है डीप स्ट्रेटम, दैट इज डीप स्ट्रेटम ऑफ फेशियल लाटा से बना हुआ होता है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पास करते हैं सिफेनस वेन से, सिफेनस वेन से अंदर डीप कंपार्टमेंट में जाते हैं या फिर सुपरफिशियल फेशिया में आते हैं, ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है, गेट सिफेनस वेन हमने देखा था जो कि अंदर की तरफ जाती है, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक और प्यूडेंडल वेसल और इलियक सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल्स थी, वो जो आर्टरीज वाली ब्रांचेस थी वो यहाँ से बाहर आ रही थी, और कुछ थी ट्रिब्यूटरीज वेन की वो इसमें ओपनिंग से पहले आके ग्रेट सिफेनस वेन में ड्रेन कर रही थी, और कुछ लिम्फ वेसल थी जो कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स से लिम्फ को लेके अंदर की तरफ यहाँ से डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जा रही थी इस ओपनिंग के थ्रू। नाउ फेशियल कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई, हमारा जो थाई है उसको हमने
थ्री कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है थ्री इंटरमस्कुलर सेप्टा से। और ये सेप्टा जो है कहाँ से अराइज होते हैं, हमने जो डीप फेशिया देखा था फेशियल लाटा, मान लो ये थाई है तो ये अंदर वाली लेयर है डीप फेशिया लाटा। इस डीप फेशिया लाटा से अंदर इनर सरफेस से ये इंटरमस्कुलर सेप्टा अराइज करते हैं और फिर जो फीमर होती है उसके लीनियर स्पेरा में अंदर जाके ये अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे थ्री इंटरमस्कुलर सेप्टम होते हैं जिससे कि हमारा जो फ्रंट ऑफ थाई है या फिर जो थाई है वो थ्री कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो थ्री इंटरमस्कुलर सेप्टा अराइज होते हैं इनर सरफेस ऑफ द फेशियल आटा और डीप फेशियल सीथ एंड फिर फीमर के लीनिया स्पेरा पे जाके अटैच हो जाते हैं जिससे कि थ्री कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा थाई। कौन कौन सा कंपार्टमेंट होता है, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो जनरली मसल्स होती हैं वो एक्सटेंशन कराती हैं नी जॉइंट का, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। जो मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है उनका फंक्शन होता है मेनली अडक्शन, तो वो अडक्शन करवाती हैं, तो वो मीडियल कंपार्टमेंट को हम अडक्टर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं वो जनरली फ्लेक्शन कराती हैं, तो उन्हें हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो ये थाई है तो इसके थ्री इंटरमस्कुलर सेप्टा हुए, एक होता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा मीडियल साइड पे, एक लेटर इंटरमस्कुलर सेप्टा लेटरल साइड पे और एक पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा पोस्टीरियर साइड पे। तो मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसको सप्लाई कर, ये जनरली ये सप्लाइड होता है भाई फीमोरल नर्व से। मीडियल इंटर और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच होता है मीडियल कंपार्टमेंट और ये जनरली सप्लाइड होता है, यहाँ की मसल सप्लाई होती है ऑब्चुरेटर नर्व से। और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और यहाँ की मसल जनरली सप्लाइड बाई शियाटिक नर्व। और इन नर्व्स की हम रूट वैल्यूज लंबर प्लेक्सस में हमें पता लग जाएगी जब हम वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे फ्रंट ऑफ थाई टॉपिक को और एंटीरियर कंपार्टमेंट और जो भी आगे का मिडिल कंपार्टमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।